हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल मलवी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक्नो गुरु। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मोबाइल की अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये एप्लीकेशन एक कीबोर्ड जो होता है, जो हमारा टाइपिंग कीबोर्ड होता है, उसके रिलेटेड है। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन के द्वारा आप मोबाइल के जो कीपैड है उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लुक तरीके से आप बता सकते हो। जिस प्रकार आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस प्रकार से आप कीबोर्ड को सजा सकते हो अलग अलग टाइप से। कीबोर्ड के बहुत सारे इसमें डिस्प्ले दिए हुए हैं। तो इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर भी इसको इंस्टॉल कर लग सकते हैं। तो वहाँ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको LED कीबोर्ड लिखना है प्ले स्टोर में जाकर। ये सर्च करोगे तो सबसे पहले ऊपर एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। सबसे पहले LED कीबोर्ड लाइटिंग इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कीबोर्ड जो होता है बहुत ही अच्छा तरीके से आपको दिखेगा, बहुत ही जो लाइटिंग है उसका इफ़ेक्ट बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, जिससे कि आपको मोबाइल का लुक अलग ही होगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर मैं जो वीडियो में बता रहा हूँ उस प्रकार से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन में आप कुछ सेटिंग्स परमिशन मांगेगा, वो आपको मैं बताता हूँ अगले वीडियो में, आगे नेक्स्ट बताता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको ये अनेबल का ऑप्शन आएगा नीचे, इसको ओके करना है। वहाँ जाके इसको अनेबल कर देना है और इसको यूज़ ओके कर लेना है। फिर बैक की प्रेस करना है। बैक की प्रेस करने के बाद वापस नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट, इसको क्लिक करना है और LED कीबोर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में अलग अलग टाइप के आपको बहुत सारे कीबोर्ड मिलेंगे। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे कीबोर्ड हैं, इन कीबोर्ड को आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको डाउनलोड करना पड़ेगा कीबोर्ड को। ये जिस प्रकार से कीबोर्ड दिख रहा है स्क्रीन पर, इस प्रकार से आपका टाइपिंग का पैड आएगा। इसमें बहुत सारे कीबोर्ड के अलग अलग पैड हैं, अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट हैं, अलग अलग डिस्प्ले के द्वारा है, अलग अलग बहुत से थीम हैं। ये सब कीबोर्ड है जो मोबाइल के कीबोर्ड होते हैं वो हैं। अगर मैं इसको इंस्टॉल करूँ इसको एप्लीकेशन को, तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिखेगा। अपने फ्रेंड्स लोग के जो भी अपने, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड दिखेगा, नॉर्मली नहीं दिखेगा। ये कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। इसको खाली सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करते ही आपका ये कीबोर्ड अनेबल हो जाएगा। मैं एक नॉर्मली एक कीबोर्ड को ओपन करके देखता हूँ, लगा के देखता हूँ कि अगर आपको अच्छा दिखे या नहीं दिखे। अभी एक मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट किया है, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं नॉर्मली कहीं भी लिखूँगा तो ये नॉर्मली ऐसा कीबोर्ड आएगा। बहुत ही अच्छा लुक दिखेगा आपका मोबाइल का, जैसे ये कंपनी का फीचर्स हो, इनबिल्ट फीचर्स हो, लेकिन इसमें मोबाइल आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा। जैसे मैसेजिंग में जाता हूँ, मैं टाइप करता हूँ, तो ये कीबोर्ड आप देख सकते हो स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और बहुत ही अमेजिंग लुक है। आप देख सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा, एकदम नॉर्मल जैसा नहीं दिख रहा, एकदम बहुत ही मस्त दिख रहा है। ये जो आप व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हो, कहीं भी टाइपिंग करते हो, तो इस प्रकार से कीबोर्ड के आपको मोबाइल को अलग ही लुक देगा। ये नॉर्मली मोबाइल की तरह नहीं लगेगा। सब पूछेंगे कि ये आपके मोबाइल के अंदर ही सिस्टम है या एप्लीकेशन है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जिस प्रकार मैंने पूरा वीडियो में बताया है, उसी प्रकार इसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं व्हाट्सएप में टाइपिंग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से कीबोर्ड बहुत ही अच्छा लुक में दिख रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है और बहुत ही अमेजिंग ये जो कीबोर्ड का लाइटिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कीबोर्ड किस प्रकार से लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।